हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध पापड़ की सब्जी। पापड़ की सब्जी बनाना बहुत आसान होता है और खाने में भी यह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जब कभी घर में आपके पास कोई सब्जी उपलब्ध ना हो या फिर आपका कुछ अलग खाने का मन करे तो झटपट से बनाएं मारवाड़ी स्टाइल की यह पापड़ की सब्जी। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए यह मैंने ये चार मूंग के पापड़ लिए हैं। ये उड़द और मूंग के पापड़ हैं। इन्हें हम पहले सेक लेंगे। सेकने के लिए आप इसे माइक्रोवेव में सेक सकते हैं, गैस पर डायरेक्ट सेक सकते हैं या फिर तवे पर सेक सकते हैं। तो आज मैं इसे तवे पर सेक रही हूँ। पापड़ को गैस पर सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवे को गैस पर चढ़ाया है और इसे हम गर्म करेंगे। यहाँ पर ये तवा गर्म हो गया है तो इस पर हम एक पापड़ रखेंगे और इसे ऐसे कपड़े से दबा दबा कर सेकेंगे। पापड़ को तवा पर सेकने से पापड़ कहीं से भी जलता नहीं है और एक बराबर सिकता है। इससे सब्जी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर मैंने चार मूंग के पापड़ का इस्तेमाल किया है। चार मूंग के पापड़ की सब्जी चार लोगों के लिए पर्याप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पापड़ सिकना शुरू हो गया है। बस हम इसे ऐसे ही घुमा घुमा कर और दबा दबा कर सेक लेंगे। एक बार इसे पलट लेंगे और थोड़ा सा दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये पापड़ सिक चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के सभी पापड़ सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी पापड़ सेक कर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं तवे पर पापड़ कितने बढ़िया सिक कर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पापड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आइए अब सब्जी की तैयारी करें। इसके लिए मैंने एक ये मीडियम साइज का टमाटर लिया है, ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और ये एक हरी मिर्च है। इन सबको हम लोग पीस कर महीन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर ये मैंने आधा कप फेटा हुआ दही लिया है। तो आप चाहें तो इस सब्जी को सिर्फ टमाटर से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ दही से भी बना सकते हैं। आज मैंने टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल किया है। तो अब हम टमाटर और हरी मिर्च अदरक का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। आइए अब हम सब्जी बनाएं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को गैस पर चढ़ाया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें लगभग एक टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस सब्जी को देसी घी में भी बना सकते हैं या किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। तेल को अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तेल को हम लोग धुआं उठने तक गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लिया है। ये तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, 6-7 कड़ी पत्ते, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, एक छोटा चम्मच सरसों और एक छोटा चम्मच जीरा। अब हम लोग जीरा को चटकने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीरा चटक गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही डाल देंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर का कच्चापन खत्म होने तक इसे भूनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ टमाटर को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें टमाटर और मसाले को कढ़ाई के चारों तरफ तेल छोड़ने तक भूनना है। तो फ्रेंड्स, पापड़ की सब्जी में बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल ना करें। इसका ऐसे ही टमाटर और दही का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर टमाटर और मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं और इस कढ़ाई के किनारे ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम लोग गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और हम इसमें फेटा हुआ दही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि दही डालने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो दही फट सकता है। दही वाली सब्जी बनाते समय एक बात खास ध्यान रखनी चाहिए
कि दही डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना होता है जब तक कि इसमें से उबाल ना आने लगे, और हमें इसमें नमक एकदम लास्ट में डालना होता है। ऐसा करने से आपकी दही की सब्जी कभी भी फटेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गया है और कहीं से भी दही बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और कढ़ाई के किनारे ऑयल रिलीज ना हो जाए। तो यहाँ पर दही, मसाले और टमाटर सब बहुत अच्छे से आपस में घुल मिल गए हैं और कढ़ाई के किनारे ऑयल भी रिलीज हो गया है। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम अपनी आवश्यकता अनुसार डालेंगे, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना पानी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक डालते समय आप ध्यान रखेंगे कि पापड़ में भी नमक होता है, इसीलिए नमक थोड़ा ही डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से पकने देंगे, कम से कम 5 मिनट इसमें उबाल आना चाहिए। 5 मिनट तक हम इसे एक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी को मीडियम आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। अब हमें बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें पापड़ डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, चपाती किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आइए इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, तैयार है बिल्कुल राजस्थान की बहुत ही फेमस और स्वादिष्ट पापड़ की चटपटी सब्जी। तो एक बार इस सब्जी को घर पर अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।